are you a commerce student in class 11th or 12th or have passed their class 12th and thinking something global thinking acca then this video belongs to you हाई एवरी वन माई नेम इज स्वाति ढींगरा एंड आई एम अ प्राउड फिन ट्रम बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी क्वेरीज फ्रॉम माई क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्टूडेंट्स एज वेल एज फ्रॉम देर पेरेंट्स दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट ए सी सी ए की ए सी सी ए होता क्या है वॉट इज ए सी सी ए वॉट इज द स्कोप ऑफ ए सी सी ए सी सी ए का स्कोप इंडिया में ही है या इंटरनेशनल स्कोप भी है एसीसीए का एग्जाम स्ट्रक्चर एग्जाम पैटर्न एसीसीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या वो क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के साथ साथ एसीसीए कर सकते हैं भी या नहीं या एसीसीए का फीस स्ट्रक्चर हो जाए एंड वॉट नॉट आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो में आपको देंगे सो गाइस बिफोर गेटिंग इनटू दैट प्लीज सब्सक्राइब टू our चैनल Fintram Global ग्लोबल सो दैट ऑल latest updates रिलेटेड टू ACCA आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए हम so, अब अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं तो चले वट इज ए सी सी ए दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट मस्ट भी अराइजिंग इन यूर माइंड बिफोर एंटरिंग इन टू एनी कोर्स तो बच्चों ए सी सी ए होता क्या है ए सी सी ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्ट सर्टिफाइड अकाउंटेंट इट इज़ अ यूके बेस्ड कोर्स एंड इट इज रेकग्नाइज इन मोर देन वन एटी कंट्रीज इट्स एन इंटरनेशनल कोर्स जो आपको ग्लोबली रेकग्नाइज करता है ये कोर्स जैसे हम इंडिया में सी ए करते हैं उसी तरीके से ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमारी यूके की होती है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ़ दिस कोर्स इज दैट कि ये कोर्स हम इंडिया में बैठे ही कर सकते हैं बच्चों हमें इसके लिए बाहर नहीं जाना ये इंटरनेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन से लेकर इसकी कोचिंग हो जाए प्लस इसके एग्जाम्स देना एंड प्लस आपको इससे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग्स हैं ये सब आप इंडिया में बैठे ही कर सकते हैं एंड जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ए ए से रिलेटेड इंडिया में तो है ही इसी के साथ साथ ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में भी हैं सो गाइज आई एम शेयरिंग द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स रिलेटेड टू दी ए सी सी ए जॉब्स और आप वहाँ से ए सी सी ए जॉब्स के बारे में आपको और भी सारी डिटेल्स मिल सकती हैं Now coming up to my second question. चलो बच्चों अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ ए सी सी ए आज मैं स्कोप ऑफ ए सीसीए को टू पार्ट में डिवाइड करूंगी फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एसीसीए इन टर्म्स ऑफ इट्स जोग्राफी कि हमें कहा एसीसीए का स्कोप देखने को मिल सकता है एंड सेकेंड पीस में हम बात करेंगे कि ए का स्कोप आपको कैसी कैसी जॉब प्रोफाइल्स में देखने को मिलेगा चलो हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं एज वी नो दैट ए सी सी ए इज लाइक अ सी ए कोर्स विच इज रेकग्नाइज इन मोर दैन वन प्लस कंट्रीज दिस मीन्स द स्कोप इज ऑल्सो इन मोर देन वन एटी कंट्रीज तो ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज कोर्स है तो इंटरनेशनली इसका स्कोप तो है ही अब हम बात करेंगे इंडियन मार्किट के बारे में तो इंडियन मार्केट में जो ए सी सी ए का स्कोप है वो भी डे बाई डे इनक्रीज होता जा रहा है बच्चों इंडिया में जितनी भी हमारी एम एन सीज हो गई या हमारे बिग फोर्स हो गए हर जगह ए सी सी एस को रिकगनाइज किया जाता है दिस मीन्स दे आर हायरिंग ए सी सी एज अलोंग विद दैट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो ए सी सी ए का कोर्स है दिस इज टोटली बेस्ड ऑन आई एफ आर एस आई एफ आर एस क्या होता है बच्चों इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको ये एम एन सीज एज वेल एज दीज बिग फोर्स फॉलो क्योंकि जितने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें आई में पढ़ने को मिलते हैं जो कि हमारा ए का बेस है तो बच्चों अब ये तो हमें समझ आ गई कि ए की जो स्कोप है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, वो इंडियन मार्केट में भी है एज वेल एज ये हमारे को अब्रॉड में भी देखने को मिलती है अब हम सेकेंड पीस के बारे में बात करते हैं हमारा सेकेंड पीस आता है इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल्स जो हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं अगर हम ए करते हैं बच्चे देखिए ए हमारा आई एफ आर पे बेस्ड है इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली कोर फाइनेंस रिलेटेड कोर्स है इसका मतलब ये कि ये अकाउंटिंग से रिलेटेड तो जॉब्स आपको मिलेंगी ही मिलेंगी तो आपके लिए अकाउंटिंग फील्ड तो ओपन है ही साथ में आप ऑडिट से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गई रिस्क हो गए कंप्लाइंसेस हो गए एंड वॉट नॉट बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स आप बच्चों को देखने को मिल सकती है एंड आई एम शेयरिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आपके लिए जितनी भी जॉब ओपनिंग्स मार्केट में अवेलेबल है आप वहाँ पे देख सकते हैं और आप स्कैन थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मार्केट में ओपन है एंड यू कैन इनफैक्ट गूगल इट आउट ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बच्चों अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि मैम ए का करिकुलम क्या है ए का सिलेबस इसका स्ट्रक्चर इसका एग्ज़ाम पैटर्न ये सब तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम अगर ए ए करने का सोच रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़रूरी है तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ बच्चों देखो ए में टोटल थर्टीन सब्जेक्ट्स होते हैं जो ये थर्टीन सब्जेक्ट्स हैं आपके थ्री लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं फर्स्ट लेवल होता है हमारा नॉलेज लेवल सेकेंड लेवल आता है हमारा स्किल लेवल एंड जो थर्ड लेवल होता है वो हमारा है प्रोफेशनल लेवल नॉलेज लेवल पर हमारे थ्री सब्जेक्ट्स होते हैं स्किल लेवल पर हमारे छः सब्जेक्ट्स होते हैं प्रोफेशनल लेवल पर हमारे चार सब्जेक्ट्स होते हैं अभी बच्चों हम छोटे हैं हम क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ प्रस्यू कर रहे हैं तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ नॉलेज लेवल से क्यों क्योंकि हमारी जो ए की जर्नी होगी वो नॉलेज लेवल से स्टार्ट होगी तो नॉलेज लेवल के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ देखो ये एग्जाम जो नॉलेज लेवल के एग्जाम्स है फर्स्ट थ्री पेपर्स ये आपके बहुत ही सिंपल पेपर्स हैं जैसे आप अभी क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में पढ़ाई करेंगे उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं ये पहला सब्जेक्ट है इसका बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजीज में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा जैसे आप बिजनेस स्टडीज अब पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं तो बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स दोनों का मिक्स होके ये बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी है मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग में क्या है मैनेजिंग दी अकाउंट्स वो कॉस्टिंग के थ्रू करेंगे एंड इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल थर्ड हमारा सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली कुछ नहीं है नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है लेकिन ये अकाउंटेंसी है जो आप बच्चे तो कर रहे हैं या आप करेंगे तो ये तो बहुत सिंपल बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स हैं कि जिनको हम इजीली फटाफट से कर सकते हैं लेकिन अब हम ये एग्जाम्स करेंगे कैसे एग्जाम का पैटर्न तो हमें पता नहीं चलो मैं एग्जाम पैटर्न आपको बताती हूँ बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पेपर्स थ्री लेवल में डिवाइडेड होते हैं तो एग्जाम पैटर्न भी हमारा यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ये टू पार्ट्स कौन से होते हैं हमारे फर्स्ट इज द ऑन डिमांड बेस्ड एग्जाम एंड is इज session बेस्ड एग्जाम ऑन डिमांड बेस्ड एग्जाम्स क्या होते हैं जो हमारे फर्स्ट फोर पेपर्स हैं थ्री पेपर्स हमारे नॉलेज लेवल के एंड फर्स्ट पेपर हमारा स्किल लेवल का बच्चों ये हमारे ऑन डिमांड बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उसके बाद जो भी हमारे एग्जाम्स है जैसे कि सेकंड सब्जेक्ट फ्रॉम द स्किल ऑनवर्ड्स हमारे जितने भी पेपर्स हैं प्रोफेशनल लेवल तक ये हमारे सेशन बेस्ड एग्जाम्स होते हैं अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ कि ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है और सेशन बेस्ड एग्जाम्स का मतलब क्या होता है ऑन डिमांड बेस्ड एग्जाम्स का मतलब है कि आप ये एग्जाम्स अपनी डिमांड पे रख सकते हैं मतलब आप स्केड्यूल कर सकते हैं और आप ये कभी भी कर सकते हैं है ना ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो ए आप बच्चों को प्रोवाइड करता है आगे आगे मैं आपको ए की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी बच्चों देखो ये तो पहली चीज़ हुई कि ऑन डिमांड बेस्ड एग्जाम है अब ये ऑन डिमांड बेस्ड एग्जाम आपने जो देना है यहाँ पे जो पेपर होगा आपका दो घंटे का होता है दो घंटे का पेपर एम सी क्यू बेस्ड हंड्रेड परसेंट एम सी क्यू बेस्ड नो नेगेटिव मार्किंग एंड रिजल्ट इंस्टेंट है ना बढ़िया बात रिजल्ट इंस्टेंट बच्चों कि आपने जैसे पेपर दिया और उसके बाद सबमिट करते ही इसका रिजल्ट आ जाएगा अब ये तो इसके बारे में बहुत अच्छी बात हुई अब सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी बताती हूं आपको जो यहां पर आपको एसीसी में मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि यहां पर कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है ग्रुप सिस्टम किसी भी लेवल पे नहीं है स्टार्टिंग फ्रॉम नॉलेज लेवल स्किल लेवल एंड देन प्रोफेशनल लेवल किसी भी लेवल पर बच्चों आपको कोई ग्रुप सिस्टम नहीं मिलेगा आप यहाँ पे पेपर वन बाय वन एक एक करके आप दे सकते हैं धीरे धीरे हम सीढ़ी चढ़ेंगे और हम ए ए प्रोफेशनल बनेंगे तो ये हुई इसके बारे में सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पर एग्ज़ाम्स हमारे वन बाय वन हम दे सकते हैं ग्रुप सिस्टम नहीं है कोई एग्रीगेट नहीं है क्यों क्योंकि कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है क्योंकि हम कोई भी बच्चों प्रोफेशनल कोर्स अगर करते हैं तो वहां पर हमेशा एग्जाम्स हमें ग्रुप में देने पड़ते हैं लेकिन ए में यहाँ पर आपको एग्जाम्स ग्रुप में नहीं देने की ज़रूरत क्यों क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी तो ए ही आपको दे रही है प्लस यहाँ पे कोई एग्रीगेट का भी कोई चक्कर नहीं है कि टोटल में इतने नंबर लाने हैं सिंगल में इतने नंबर लाने हैं हाँ सिंगल में हमें स्कोर फिफ्टी करना होता है पर सब्जेक्ट लेकिन हर सब्जेक्ट की इवेल्युएशन इंडिविजुअल तरीके से ही होती है तो इसके अंदर ग्रुप सिस्टम वाला हिसाब किताब ही नहीं है तो आपके लिए ये ईजी हो जाता है अब हम बच्चों बात करते हैं सेशन बेस्ड एग्जाम सेशन बेस्ड एग्जाम्स क्या होंगे क्योंकि मुझे पता है मैंने सेशन बेस्ड एग्जाम्स आपको बोला है और अब आपके दिमाग में होगा कि मैम मुझे ये आप जरूर बताइए कि सेशन बेस्ड एग्जाम्स होते क्या है सेशन बेस्ड एग्जाम्स आर दी एग्जाम्स विच आर कंडक्टेड फोर टाइम्स इन एन ईयर ए इन एग्जाम्स को स्केड्यूल करता है एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है उसके हिसाब से आपको ये एग्जाम देना होता है बच्चों ये आपके हर तीन महीने बाद कंडक्ट किए जाते हैं जैसे मार्च में फिर जून में फिर सितंबर में एंड देन डिसम्बर तो इन चारों महीने में आपने ACCA ए का पेपर देना होता है फॉलोइंग दी ए सी सी ए गाइडलाइंस वो गाइडलाइंस क्या है उनकी ये है कि आप एग्ज़ाम अपने हिसाब से दे सकते हैं अपने मर्जी से दे सकते हैं कोई यहाँ पर ग्रुप सिस्टम नहीं है प्लस यहाँ पर अब रिसेंटली ए ने एग्जाम्स रिमोट इन्विजिलेशन से भी बच्चों शुरू कर दिए हैं जैसे अभी सिचुएशन हमारे इंडिया में कोविड की जैसे आ रही है तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स ए आप घर बैठे ही अपने ए के एग्जाम्स दे सकते हैं सेंटर बेस्ड एग्जाम्स तो हैं ही साथ में आप रिमोटली एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ए आपको प्रोवाइड करता है तो ये बच्चों हमने बात करी ए के पूरे एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में अलोंग विद डैट कि आपके एग्जाम्स के क्या क्या लेवल्स होंगे प्लस इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ ACCA ए हर लेवल को वैल्यू करता है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द diplomas that they प्रोवाइड टू each एंड एवरी स्टूडेंट जैसे जैसे आप जिस लेवल को आप क्रॉस करेंगे आप जैसे बच्चे अभी क्लास इलेवेंथ and ट्वेल्थ में हैं आप जैसे नॉलेज लेवल अपना देंगे नॉलेज लेवल को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपके जैसे तीन पेपर कंप्लीट होते ही आपको ए डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस आपको देते हैं दैट टू फ्रॉम ए सी सी ए यू के से ही आपको ये डिप्लोमा मिलता है इसी के साथ साथ जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल क्रॉस करते जाएंगे वहाँ पर भी आपको ए सी सी ए डिप्लोमास प्रोवाइड करता है और इन डिप्लोमास की बहुत बड़ी वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडिया में इनको वैल्यू किया जाता है बच्चों तो ये सारा इन टोटल जो ए सी सी ए का स्ट्रक्चर है ये अपने आप में स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रेंडली है बच्चों क्यों क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है ऑन डिमांड बेस्ड एग्ज़ाम है अपनी मर्जी से एग्ज़ाम दे सकते हैं अब बच्चों अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डिटेल्स आपको अगर चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक टू आर कंसल्टेंट्स और यू वॉन्ट टू टॉक टू आर मैंटॉर्स तो इससे रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट uh, डिटेल्स मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में वीडियो के नीचे शेयर करी है आप हमारे मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं हमारे काउंसलर से आप कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आपकी और भी कोई क्वेरी है वो रिजॉल्व हो सकती है बच्चों। एंड नाउ बच्चों कमिंग अप टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं ए ए की फीस के बारे में फी स्ट्रक्चर जानना तो बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि अब हमने अगर एनरोल करना है ए में तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें कितना पैसे देने होंगे या हमारी क्या कॉस्ट होगी इस कोर्स को करने के लिए देखो बच्चों जब भी, भी हम किसी भी कोर्स में एनरोल होते हैं तो हमें सबसे पहले इनिशियल रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करना होता है तो हमारी पहली कॉस्ट होती है इनिशियल रजिस्ट्रेशन जो हमारी थर्टी पाउंड्स है जो लगभग हमारे अगर हम इंडियन करेंसी में से कन्वर्ट करें तो लगभग अगर हंड्रेड की हम कन्वर्जन कॉस्ट लेते हैं तो लगभग तीन हजार रुपये थ्री थाउजेंड रुपीज़ हमारी इनिशियल रजिस्ट्रेशन होती है जो हमें ए सी सी ए को पे करनी होती है हमारी सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट होती है एनुअल सब्सक्रिप्शन एनुअल सब्सक्रिप्शन बेटा ये वो फीस है जो आपको एनुअली ए को हर साल आपको पे करनी होती है एंड दिस इज द फी दैट यू हैव टू गिव एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन तो ये फीस हमारी 112 पाउंड होती है मतलब 112 पाउंड्स जो लगभग अगर कन्वर्ट करें तो इंडियन करेंसी में ग्यारह हज़ार रुपये के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ये हमारी फ़ीस होती है जो हमने ए ए को पे करनी है अब जो हमारी थर्ड कॉस्ट आती है थर्ड कॉस्ट हमारी तब आती है जब हम एग्जाम बुक करते हैं एग्जाम बुक कैसे करेंगे यहाँ पर बेटा जैसी फ्लेक्सिबिलिटी आपको एग्जाम देने में मिलती है तो एग्ज़ाम बुक करने भी वैसे ही आप कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर पेपर के हिसाब से फीस जाती है तो पर पेपर की कॉस्ट अभी हम नॉलेज लेवल के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉलेज लेवल की फ़ीस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि नॉलेज लेवल की फ़ीस 84 पाउंड्स होती है जो लगभग 8,400 थाउजेंड हमारी ए uh, की एग्ज़ामिनेशन फीस होती है पर पेपर पर सब्जेक्ट जो हम देते हैं क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम हम वन बाय वन दे सकते हैं तो इसीलिए लिए यहाँ पर फीस भी हमारी पर पेपर के हिसाब से ही डिसाइडेड होती है इसके ऊपर बच्चों आपके और भी एक्सपेंसेस आते हैं एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ टेकिंग दी कोचिंग क्योंकि अब रजिस्टर हो जाते हैं हम किसी कोर्स में तो उसके बाद हमें एक मेंटरिंग या एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर चाहिए होता है क्यों क्योंकि हम एक इंटरनेशनल कोर्स कर रहे हैं अभी हमें उसके बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं से कोई कोचिंग लेते हैं एंड वो कोचिंग फीस बेटा आपकी डिपेंड करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट की आप कहाँ से लेते हैं और उनकी क्या फीस होती है बट आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने आई हूँ फिनट्रैम ग्लोबल इज कमिंग अप विद द स्कॉलरशिप प्लान आप बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप प्लान लेकर आए हैं जहाँ पर जो आप क्लास एलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ के बच्चे अगर ए सी सी करने के बारे में आप बच्चे सोच रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सारी स्कॉलरशिप्स फिन प्रोवाइड करता है एंड टू नो मोर अबाउट दी स्कॉलरशिप प्लान यू कैन कनेक्ट अस ऑल द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बिलो दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पर आपको हमारे मेन्टोर्स हमारे काउंसलर्स के नंबर आप सबसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी और भी कोई क्वेरी रिलेटेड टू ए सी आप उनसे पूछ सकते हैं एंड दे आर हैप्पी टू हेल्प यू माय डियर फ्रेंड्स इन फैक्ट वी हैव अ डिस्कशन फोरम फिन ट्रैम्स ए डिस्कशन फोरम आप बच्चों उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप हमारे मैंटोर्स से और भी क्वेरीज और भी डिस्कशन कर सकते हैं रिलेटेड टू एसीए है ना बढ़िया बात तो अगर आप सोच रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप जल्दी से एसीए की रजिस्ट्रेशन के लिए Fintram से कनेक्ट कर सकते हैं ऑन नंबर्स प्रोवाइडेड टू यू अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में हाउ टू रजिस्टर विद ए सी सी ए हम ए सी सी ए में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं जो बच्चे हमारे क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ पर स्यूइंग बच्चे हैं आप अगर ए सी सी ए में एनरोल होने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ अपनी क्लास टेंथ की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं और जो बच्चे हमारे क्लास ट्वेल्थ के पास आउट्स हैं अगर आप सोच रहे हैं ए में एनरोल करने के बारे में तो आपको अपनी क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करने हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इसी के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट है जो आपको ए ए को प्रोवाइड करना होता है जो हमारा होता है आई डी प्रूफ वे आई डी प्रूफ जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या फिर आपका पासपोर्ट हो गया you have to provide all of these documents at the time of registration to ACCA. वहाँ पर आप जैसे submit करेंगे and आपका registration procedure start हो जाता है अब बच्चे अगर आप सीरियसली इफ़ यू आर प्लानिंग एंड थिंकिंग ऑफ डूइंग ए सी सी देन फिनश्राम ग्लोबल इज़ हैप्पी टू हेल्प यू आउट यू कैन रीच आउट टू अस रिगार्डिंग दी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स के बारे में अगर कोई क्वेरी है कोई डाउट है आपको अभी भी तो आप हमारे तक पहुंच सकते हैं एंड आर काउंसलर्स आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट as Fintram Global, we help out our students right from the registration to the coaching and then mentoring. हम आपको पूरी तरीके से support करेंगे इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि we are offering scholarship benefits to the student. ये scholarship benefits अगर आप बच्चे अवेल करना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यू कैन कनेक्ट विद फिन ट्रैम ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दी स्कॉलरशिप प्लान्स हैव बीन शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आई थिंक दिस वीडियो हैज बीन इंफॉर्मेटिव यू आपको ये सारी इंफॉर्मेश जो भी आप जानना चाहते थे ये सारी आपको इस वीडियो ने आपको दे दी होगी फॉर कीप गेटिंग सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू आर चैनल फिन ट्राम ग्लोबल आई सी यू अगेन इन दैक्स्ट वीडियो वेयर आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट ए सीसी टिल देन स्वाति ढींग्रा साइनिंग ऑफ